जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। आज हम लोग यहाँ पर एमएड का पेपर यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का। यहाँ पर एमएड का जो और प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के लिंक आपको कॉमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, ठीक। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। तो यहाँ पर टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। इसके जो आंसर्स हैं वो एस अकॉर्डिंग टू द आंसर की जो आया था उसी के अकॉर्डिंग है। तो कुछ अगर आपको आंसर इधर उधर भी लगे तो आप खुद से मैच कर सकते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी इन एजुकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, अधोगामी निष्पंदन सिद्धांत की अवधारणा शिक्षा में किसने दी है। तो ये देने वाले लॉर्ड मैकाले हैं, ठीक, लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले। इन्होंने दिया है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, जो आपको याद होगा कि कुछ मुट्ठी भर लोगों को हम क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, और उनके थ्रू जो है जो रिच होंगे उनको एजुकेट करेंगे, और उनको देख करके उनके थ्रू क्या होगा, जो पुअर लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, वो लोग खुद पर खुद क्या होंगे, एजुकेट हो जाएंगे। संस्कार ऑफ स्टार्टिंग बुद्धिस्ट एजुकेशन इज, तो अगर बौद्ध धर्म प्रारंभ करने का संस्कार क्या है, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन या पवज्जा। तो आपको ये याद रखना है कि विद्यारंभ भी वैदिक में होता है, उपनयन भी, और समावर्तन भाई घर की ओर लौटो, मतलब एट द एंड। पवज्जा जो है ये वो संस्कार है जो कि आपके बौद्ध धर्म में यूज़ होता है। जब बच्चा क्या करने जाता है, शिक्षा को प्रारंभ करने जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पवज्जा। वुड डिस्पैच वॉज इशूड इन, वुड डिस्पैच कब जारी हुआ था, तो वुड का घोषणा पत्र जो है वो आपका 1854 में जारी हुआ था, 1854 वुड डिस्पैच। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक एमिल, जो एमिल बुक है उसके लेखक कौन है, तो ये और कोई नहीं आपके रूसो हैं, ठीक है, जीन जैकस रूसो, यही है आपके एमिल के जो है लेखक, राइटर हो गए। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं अगर आप वो सब देख कर जाते हैं तो मेक श्योर कि वीडियो आपको एक रहेगा, और कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेट करके बनाया होगा जो एक डेढ़ घंटे का होगा। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप उसके क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से करते हैं तो डेफिनेटली आप एंट्रेंस जो है वो क्रैक कर सकते हैं, सिर्फ विद्यापीठ का ही नहीं जहाँ का भी आप दिए हों। व्हिच टीचिंग मेथड वॉज इवॉल्व्ड बाई नेचुरलिज्म, प्रकृतिवादियों द्वारा कौन सी विधि को खोजा गया, ह्यूरिस्टिक, साइंटिफिक, प्रोजेक्ट या लेक्चर। तो यहाँ पे जो खोज विधि है ना, ह्यूरिस्टिक, जैसे नेचुरलिज्म क्या कहता है कि आप उसको मत बताओ, उसको खुद से देखने दो, अगर आग में वो जाएगा तो उसका हाथ खुद जलेगा और उसको खुद समझ में आ जाएगा कि अगली बार मुझे नहीं जाना है। तो इनका जो ग्रेट फोकस था, या इन्होंने इस विधि को जो है जन्म दिया, ह्यूरिस्टिक मेथड। When was formed Hunter Commission? Hunter Commission जो Hunter आया था 1882 में, वो कब formed हुआ था? अच्छा 1882 ही आंसर है, क्योंकि 1882 में ही ये क्या हुआ था आपका, formed हुआ था Hunter Commission। जितने भी commissions हैं वो कब आपके form हुए थे, चाहे वो Sadler Commission हो, Hunter Commission हो, Hartog Committee हो, इसके अलावा जो आपका राधाकृष्णन Commission है, आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, कोठारी है, और जितने भी आपके एनईपी आए हैं अभी रिसेंट के एनईपी जो है, वो सारे का एटलीस्ट आपको डेट अच्छे से याद होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके लिए स्टार्ट हुआ था, तो ऑब्वियस ये आपके प्राइमरी एजुकेशन के लिए हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स को रखा जाता था एक विद्यालय में जो कि उसके लिए आवश्यक होते थे। तो वो एलिमेंट्री एजुकेशन का पार्ट थे कि जहाँ पर कि जैसे कि कम से कम दो बड़े कमरे होने चाहिए, वातानुकूलित, बेसिक चेयर मेज़ होना चाहिए, साफ जो है वॉशरूम होना चाहिए, बच्चों के लिए अगर छोटे और बच्चे तो उनके लिए खिलौनों का भी जो है होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बेसिक थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। फादर ऑफ़ क्रिएटिविटी हम किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ़ क्रिएटिविटी यहाँ पे टॉरेंस है, ठीक है, टॉरेंस, फादर ऑफ़ क्रिएटिविटी टॉरेंस है। गिलफोर्ड का संबंध है क्रिएटिविटी से, इन्होंने ही कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ये दिया है और कुछ चार एलिमेंट दिया है, लेकिन इसके फादर की जब हम बात करेंगे तो ये टॉरेंस है, ठीक है।
द स्कोर विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से पढ़िएगा, आसान प्रश्न है। वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति किसी वितरण में सबसे अधिक बार होती है। तो क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि सबसे अधिक बार। अब यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ नंबर लेते हैं, 4 2 6 2 5 3 4 2, हमने ये नंबर लिया, ठीक। अब आपको कह रहा है कि अब आप प्रश्न पढ़िए, उसके बाद इस संख्या को देखिए। वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब कि जो फ्रिक्वेंट टाइम आ रहा है, जो बार बार आ रहा है, रिपीट जो हो रहा है सबसे अधिक बार। तो चार कितनी बार है? दो बार है, तो भाई चार दो बार है, ठीक है। फिर उसके बाद टू कितनी बार है? टू जो है तीन बार है। उसके बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो दो जो है वो तीन बार आ रहा है, तो दो की फ्रिक्वेंसी क्या हुई? सबसे ज़्यादा हुई। तो जब कोई भी नंबर किसी भी संख्या में हम ये देखते हैं कि वो कितनी अधिक बार आया है, तो उसको हम कहते हैं मोड। क्या कहते हैं? मोड। अगर यही आपसे कहता कि मीडियन, तो पहले आप इसको एक फॉर्म में करते, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, उसके बाद इवन और ऑड, जैसा भी होता। अगर ऑड होता तो आप बीच में ही बता देते, जैसे पाँच है तो आप ऐसे ही बता देते कि दो उधर बीच वाला। अगर इवन होता तो उसमें एन प्लस वन बाई टू का फॉर्मूला लगा के आप कर देते। और अगर मीन निकालना है तो मीन के लिए सबको जोड़ करके जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, सबको जोड़ करके आप क्या कर देंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे, आपका मीन यहाँ पर निकल जाएगा। क्लियर है? मीन, मीडियन, मोड, डोंट गेट कन्फ्यूज, ठीक है। गोखले बिल का संबंध किससे है? तो गोखले बिल का जो संबंध है वो आपके प्राथमिक शिक्षा से है, प्राइमरी एजुकेशन से है। Who developed the ink block test? हरमन रोशा। हरमन रोशा ही है जिन्होंने ink block test को, स्याही धब्बा परीक्षण को जो है किया था। ink block test, कुछ ink स्याही के कुछ धब्बे दिखा करके आपकी personality को measure करने की कोशिश की जाती है ink block test में। Branching programming was originated by, देखिए ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें किसने दिया है, तो प्रोग्रामिंग क्या होता है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये प्रोग्रामिंग दिया किसने था। उसके बाद प्रोग्रामिंग के टाइप्स में जब हम आते हैं, देन वी गो टू ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, ओके। सबसे पहले प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आता है, कि मतलब क्या आता है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कि जो इंस्ट्रक्शन हो बच्चा खुद से ही सीख पा रहा है अपनी सेल्फ पेस। ये उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, कि प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे चीज़ों में सिखाएंगे, चंक्स में दे करके बच्चे को रेनफोर्स करते रहेंगे, प्रॉपर फीडबैक देते रहेंगे, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, और इस तरीके से वो एक कॉन्सेप्ट को क्या होगा? सीख जाएगा। अब इस जब इसके हम टाइप में आते हैं, तो इसके तीन टाइप आ जाते हैं। सबसे पहला होता है लीनियर। लीनियर में क्या है कि बहुत लीनियर चीज़ें चल रही होती हैं एक सीधी रेखा में, कि बच्चा को एक हमने चार लाइन का पैराग्राफ दिया, वो या उसने समझ लिया, पढ़ लिया, उसके बाद उसको चार क्वेश्चन दे दिए, और उन चार क्वेश्चन को सॉल्व करके वो क्या करेगा? आंसर करेगा। अगर गलत किया तो वापस से पैराग्राफ पढ़े, फिर से देखे, फिर से करे। सेकेंड आपका ब्रांचिंग आता है, जिससे आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आपके एरर पेज आ जाता है और आपका मेन पेज या मेन होम पेज आ जाता है, होम पेज एंड एरर पेज। तो ब्रांचिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ब्रांचिंग का जो आपका डायग्राम है, एक बार मैं बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे ये जो मैं बॉक्स बना रही हूँ, ये बॉक्स पे क्वेश्चंस लिखे होंगे, ठीक है, और इसको कुछ हम नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4, ओके। ठीक, अब ये क्या, इसका क्या मतलब है, ये ब्रांचिंग कैसे है? मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 पे गए। सबसे पहली चीज़ कि लीनियर में जो सबसे बड़ी डिमेरिट होती है कि अगर आप फर्स्ट पे हैं, अगर आपको थर्ड पे जाना है तो आप सेकंड को क्रॉस करके ही जाएंगे। बैकअप वहाँ पे नहीं कि आप फर्स्ट से डायरेक्ट फ्लिप कर जाएंगे, लेकिन ब्रांचिंग में आप किसी भी पार्ट को पहले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, आपने सही सही कर दिया, ठीक है, आप आगे बढ़ गए। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं और वहाँ आपने गलत कर दिया, तो आपने गलत किया तो उसके बाद वो आपको क्या करेगा? कहेगा गो टू पेज नंबर दिस। मान लीजिए उसने कहा गो टू पेज नंबर 3। जब आप पेज नंबर 3 पे जाएंगे तो वो आपको थोड़ा और हिंट देकर और अच्छे से समझाएगा उसको कि ऑप्शंस में क्या मतलब है। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है तो उन्होंने बताया कि इसका क्या
क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और उसके बाद जब आप आगे जाएंगे फिर से आप टिक करेंगे आके टू पे और फिर आप सही हो जाएंगे तो आपको थ्री पे भेज दिया जाएगा। अगर फिर भी आप गलत करते हैं तो फिर आपको इसके नेक्स्ट साइड की वन पे जाइए, वन पे फिर से समझ के तब आइए। तो कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरीके से कर देता है। और मैथमेटिक्स थर्ड टाइप होता है इसका। मैथमेटिक्स जो है मैक्सिमम जो है हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, ठीक, जैसे कि एक उससे जो है निकल करके फिर इसके सब पार्ट्स का होना, फिर इसके सब पार्ट्स का होना, ये क्या कहलाता है आपका, मैथमेटिक्स कहलाता है। क्लियर है? हाँ, तो क्वेश्चन में पूछा था कि किसने इसको किया है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग कहेगा तो वो तो बी एफ स्किनर ही है आपके। और अगर आपसे कहता है ब्रांचिंग किसने किया है, तो ब्रांचिंग आपका जो है ये नॉर्मन ए क्राउडर ने किया था, ठीक है, नॉर्मन ए क्राउडर। अगर मैथमेटिक्स पूछता है तो उसको गिलबर्ट ने किया है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल बता रही हूँ उसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर एक साल क्वेश्चन ब्रांचिंग से आया है तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि नेक्स्ट टाइम उसके अदर पार्ट से आ सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग वॉज गिवन बाई, कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया है। अब कल्चरल लैग क्या है, जैसे मान लीजिए कि भौतिक संस्कृति के द्वारा अभौतिक तत्वों का पीछे हो जाना। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको हम अपनी सोसाइटी में कहते हैं कि अरे ये तो पिछड़े हैं, इनको नहीं पता क्या होती है टेक्नोलॉजी, इनको मोबाइल चलाना नहीं आता। सो वाई देर इज़ अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ कल्चर लैग, क्योंकि उनका कल्चर या हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी भौतिक संस्कृति है, मतलब जो मटेरियलिज्म का वर्ल्ड चल रहा है, वो बहुत ही तेज़ी से आगे जा रहा है, लेकिन उतना तेज़ी से हमारी सोच जा पा रही है क्या? नहीं। हम मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, 21st सेंचुरी में कहते हैं, बट फिर भी अगर आप नॉर्मल सा एग्जांपल देखें तो क्लोदिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कपड़े जो व्यक्ति पहनता है हम उसको देख के किसी का नेचर भी जज कर लेते हैं कि वो किस टाइप का होगा, सो वी आर सो जजमेंटल इन दैट। सो ये क्या है, कल्चरल लैग है, कि जैसे सोसाइटी बढ़ रही है आगे, जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें बढ़ रही हैं, वैसे हमारी सोच नहीं बढ़ पा रही है, हम उस हिसाब से उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, और देने वाले कौन है, आगबर्न और निमकॉफ। क्लियर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर, रिलायबिलिटी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट किसके लिए है। रिलायबिलिटी आपको पहले पता होनी चाहिए, विश्वसनीयता। इसका मतलब होता है कि किसी भी टेस्ट स्कोर का कंसिस्टेंट रहना, बार बार एक जैसा ही आना। रिलायबिलिटी का सीधा सा अर्थ होता है कि अगर, जैसे विश्वसनीयता हिंदी में इसको कहते हैं, कि अगर आज आपने कोई टेस्ट किया, मान लीजिए किसी बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट किया, उसका स्कोर 69 आ रहा है, फिर आपने 2 हफ्ते बाद किया तो उसका स्कोर 70 आ रहा है, फिर 68 भी आ सकता है। बहुत ये नहीं कि 69 है तो 69 ही आ रहा है, बट उसके आसपास ही आ रहा है, फ्लक्चुएट डाटा उसके आसपास ही कर रहा है। दैट मीन्स कि वो आपका जो टेस्ट है वो वैलिड है, वो आपका रिलायबल है, विश्वास कर सकते हैं, ठीक। ये तो रिलायबिलिटी होती है, जैसे जो आपके मित्र होते हैं वो आपकी हर सिचुएशन में हेल्प करते हैं, आपको छोड़ के जाते नहीं हैं, दैट मीन्स कि वो भी क्या हुए, आपके लिए रिलायबल हुए। सो ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट किसके लिए है। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं जब हम किसी भी टेस्ट को स्टैंडर्डाइज बनाते हैं, तो एक रिलायबिलिटी और दूसरी वैलिडिटी। तो ये वैलिडिटी के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा, ठीक। वैधता वैलिडिटी के लिए, वैलिडिटी क्या है कि उस सरकमस्टांस में हम जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसका जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो उसके नॉर्म के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हु इन्वेंटेड टेलीविज़न, ओ माय गॉड, लुक एट दिस क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड टेलीविज़न। क्या आपको इस क्वेश्चन को ऐसा पढ़ के फील हो रहा है कि आप एमएड का पेपर दे रहे हैं। देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है, तो जेएल बेयर्ड ने किया था, जेएल बेयर्ड, ठीक है, इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। हु रेज द स्लोगन बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, नन अदर देन आवर स्वामी दयानंद, ठीक, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद ने किया है, ठीक। टैगोर तो कहते हैं कि प्रकृति, जो व्यक्ति का या एजुकेशन शिक्षा है वो प्रकृति से ही और प्रकृति में ही है। रूसो तो ऐसा कहते नहीं, रूसो भी कहते हैं कि भाई प्रकृति की नेचर में ही सीखो, एजुकेट हो। रूसो निगेटिव एजुकेशन की भी बात करते हैं, अगर वो भी क्वेश्चन आए तो आप लिख के आएंगे। और जो अरबिंदो हैं ये इंटीग्रल एजुकेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंटीग्रल एजुकेशन की ये बात करते हैं आपके श्री अरबिंदो, ठीक। और दयानंद हो गए वेदों की ओर लौटो। फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कौन है भाई, तो स्कूल ही होगा फॉर्मल। देखिए,
तीन तरह के आपने एजुकेशन की एजेंसी पढ़ी होगी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल में जहाँ टाई बेल्ट लगा के जाएंगे, बिल्कुल टाइम से बैठेंगे, टाइम से सब कुछ करेंगे, वो फॉर्मेलिटी करेंगे, वो फॉर्मल, तो विद्यालय में ही आप ऐसा करते हैं। इनफॉर्मल लिख दिया होता तो आपका जो है क्या हो जाता, घर, जो आपका घर होता है वो इनफॉर्मल है। नॉन फॉर्मल करते तो वहाँ एडल्ट एजुकेशन, जो डिस्टेंस लर्निंग होती है ना, वो हो जाएगा। वॉट इज़ द प्रेजेंट नेम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश बाई टैगोर? तो पहले उनका नाम क्या था, श्री निकेतन या शांति निकेतन। अभी उनका नाम क्या है भाई, तो अभी उसका नाम बदल कर हो गया है विश्व भारती। क्या हो गया है, विश्व भारती, वही शांति निकेतन जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस्टेब्लिश किया था, अब उसका नाम है विश्व भारती। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये कौन से दृष्टिकोण को दिखा रही है, नैरोअर सेंस। तो अगर जीवन भर चलेगी तो ये संकुचित तो है नहीं, साइंटिफिक इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, तो ये वाइडर सेंस को दिखा रही है कि एक इसका व्यापक दृष्टि प्रोवाइड कर रही है एजुकेशन की, भाई एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इन विच ईयर कोठारी कमीशन वॉज अपॉइंटेड, आप देख रहे हैं ये जो अपॉइंटेड वाले क्वेश्चन है कि किस सन में कौन आया था, वो क्वेश्चन ये दूसरा है। हंटर कमीशन अभी दिया था 1882, कोठारी दिया है 1964 में, रिपोर्ट अपनी पेश की थी उन्होंने 1966 में। ओवरऑल कोठारी कमीशन को क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, टू ओवरहॉल द एजुकेशनल सिस्टम जो पूरा था। आप इसके साथ ज़रूर याद रखें ठीक, कि आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसका दूसरा नाम राधाकृष्णन कमीशन, वो कब इस्टेब्लिश किया गया था, आज़ादी के बाद ही किया गया था ठीक है, 1948 में, और 49 में उसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद मुदालियर कमीशन जिसको कहते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, वो कब आपका आया था, 1952 में, और 53 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। आपको याद रखना है जितने भी ऑप्शन से, देखिए ये आपके सेकेंडरी का ऑप्शन दिया है, ये आपका कोठारी का है, ये आपका NEP का है, और 2000 में तो अभी कुछ नहीं आया था, 2000 में आपका NCF एक बार आया था ठीक। बेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो करिकुलम निर्माण के या संरचना के जो बेस हैं वो सारे हैं, साइकोलॉजी से भी हम लेते हैं, फिलॉसफी से भी लेते हैं, और सोशियोलॉजी से भी लेते हैं। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, अभी मैंने आपको मीडियन निकालना बताया कि अगर ऑड नंबर है, लेट्स से कि ये ऑड है या इवन है, पहले हम ये देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर हैं, तो वेल एंड गुड, 3 को उधर करिए, 3 को उधर करिए, लेकिन उसके पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले आपको, आपको सबसे छोटा 2 दिख रहा है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 8 है, और 9 है। 3 को इधर छोड़ दीजिए, 3 को इधर छोड़ दीजिए, बीच में कौन बचा, 5 बच रहा है ना, तो बस 5 हो गया मीडियन, क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। एंड जो भी फ्रेंड आपके साथ आपके इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, सो दैट इट विल इजी फॉर देम टू क्रैक दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, देखिए मीन भी निकालने को दे दिया है, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में वहीं पे बता दिया था, ताकि अगर फ्यूचर में कभी पूछे, बट यहाँ पे उन्होंने मीन, मीडियन, मोड तीनों का क्वेश्चन पूछा है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब आप इस मीन को कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं सबको जोड़ दीजिए, जोड़ करके डिवाइड किससे आप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 21, क्लियर। मेन यूनिवर्सल वैल्यू आर, जो मुख्य सार्वभौमिक मूल्य होते हैं, देखिए यूनिवर्सल मूल्य का मतलब होता है कि वो सब जगह एप्लीकेबल होंगे, वो सबके लिए होंगे। ट्रुथ और राइटियस कंडक्ट, बिल्कुल सही बात है कि सत्य से और सही कंडक्ट करना चाहिए, सदाचार से रहना चाहिए। पीस एंड लव, नॉन वायलेंस, बिल्कुल सही है तीनों के तीनों, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन एकदम सही है। माइक्रो टीचिंग इज़ यूज्ड फॉर, माइक्रो टीचिंग क्यों यूज़ होती है भाई, माइक्रो टीचिंग साइकिल आपने पढ़ ली होगी बीएड में, तभी आप आ रहे हैं एमिट के लिए। माइक्रो टीचिंग की साइकिल NCERT द्वारा गिवन कितने मिनट की होती है, 36 मिनट, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साइकिल के कितने स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं ना आपके, कि पहला आपने जो है प्लानिंग किया, फिर टीचिंग किया, फिर फीडबैक मिला, फिर री प्लानिंग, री टीचिंग, री फीडबैक, 36 मिनट की साइकिल रहती है, याद है, वेरी गुड। तो अब आपको क्लास में याद करिए कि जब आप माइक्रो टीचिंग को कर रहे थे तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे। जब आप एक बार जा रहे होंगे तो आप स्किल्स भी सीखी होंगी, आपने सिमुलेशन स्किल थी, ब्लैक बोर्ड स्किल थी, इलस्ट्रेशन विथ एग्जांपल वाली स्किल थी, और आपका इंडक्शन स्किल थी ठीक, ये सारी की सारी थी। तो आप स्किल के विकास पर फोकस कर रहे थे, वो भी एक बार में एक ही स्किल, ये माइक्रो टीचिंग की खासियत थी,
आपकी वन टाइम में एक स्किल को सीख रहे थे और बाद में आपको उस स्किल को इंटीग्रेट करना सिखाया जाता था और फिर क्लास में यूज़ करना। सो इसमें हम स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, याद रखिएगा। बाकी डेवलपमेंट बाद में होगा, पहले स्किल डेवलपमेंट होगा। कौशल कि बच्चों को प्रश्न पूछना है तो कैसे पूछना है, बच्चों को खड़ा करना है तो कैसे करना है। What is educational structure of India according to new education policy? देखिए मैंने बताया था आपको कि NEP 2020 से क्वेश्चन आ रहा है तो वो आएगा ही। तो इसका क्या होता है, 5-3-3-4, ये तो ऐसे ही याद होना चाहिए आपको, 5-3-3-4, ठीक है। प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल और आपका मिडिल हो जाएगा और लास्ट सेकेंडरी, ठीक है। तो प्रिपरेटरी ये आपको, ये तो अभी नहीं पूछा है, 5-3-3-4 ये स्ट्रक्चर है। पहले 10+2+3 था, ये वाला था पहले, लेकिन अभी ये है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है कि वी वर्ल्ड आर द वन फैमिली। तो इसका ये हमें नेशनलिज्म को नहीं दिखाता, क्योंकि जब हम वसुधैव, वसुधा मतलब पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ कोई एक देश या नेशनलिज्म नहीं है। न डेमोक्रेसी है, न इमोशनल इंटीग्रेशन है। इंटरनेशनल कोहरेंस, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। वी वर्ल्ड आर वन फैमिली, हम सब एक फैमिली हैं, तो ये सद्भावना को दिखा रहा है। WWW का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो ये WWW वो लड़ने वाला नहीं है, ठीक। वर्ल्ड रेस्लिंग जो रहता है आपका, ये आपका है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो जब भी सहसंबंध की बात करेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा याद रखिएगा -1 से 0 फिर 1, मतलब -1 से +1 के बीच में रहती है, ये एकदम याद कर लीजिए। किसी भी दो वेरिएबल के बीच में जब आप कोरिलेशन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ही रहेगी, ठीक। वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड सिचुएटेड, तो जो विजुअल, जो लोग देख नहीं सकते उनका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो देहरादून में स्थित है आपका, जो विजुअल हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनकी संस्था। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया है, तो इट्स नन अदर देन लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल ने किया है भाई ब्रेल लिपि का आविष्कार, ये तो आपको पता होना चाहिए, हालांकि नाम पीछे है तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। RTE एक्ट में कितने सारे चैप्टर्स थे, तो 2009 में आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, उसमें कितने सारे चैप्टर्स थे, तो उसमें आपके टोटल कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर्स हैं। कितने हैं, 7 चैप्टर हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इन इंडिया वेयर व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस्ड, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से फिर क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहली जो पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी, यहाँ से फिर वो पूरी अच्छे से नहीं लागू हो पाती, तब 1986 की पॉलिसी आती है और इसी का प्रोग्राम ऑफ एक्शन आता है 1992 में, और इसके बाद से अब जो हम देख रहे हैं वो आपका 2020 में आ रही है, ठीक। तो सबसे पहली कब आई थी, 1968 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1968। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ NEP 2020, देखिए NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमिटी का मेंबर, मतलब चेयरपर्सन कौन था, तो ये कौन थे, के कस्तूरी रंगन। कौन था, के कस्तूरी रंगन, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, के कस्तूरी रंगन थे। Which language is excluded by NEP 2022 class 5th? तो किस language को exclude किया गया है कि कक्षा 5 तक आपको बाध्यता नहीं है कि आप पढ़ाएं ही पढ़ाएं, तो वो है अंग्रेजी। क्या है, English। Ministry of HRD का नया नाम क्या हो गया, तो आप जिस department में जा रहे हैं वही उसका पुराना, मतलब नया नाम है, शिक्षा मंत्रालय या Ministry of Education, ठीक है। पहले HRD Ministry जो हमारी थी, MHRD, not only HRD, MHRD, Ministry of ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब इसका नाम बदल करके हो गया है MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्लियर है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं, भाई जनवरी में ही मना लेते हैं हम, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को कुछ और भी आपको पता होना चाहिए, लेट्स गो एंड सर्च एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो दोनों आपको याद रहेगा, ठीक है। इसके साथ अगर आप यूपी से हैं जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यूपी के लिए उसी जनवरी के आसपास में, 24-25 के आसपास में भी खास दिन है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी फर्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में ही है।
विच इज़ द टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड. तो ऑडियो विजुअल मतलब सिंपल सी चीज़ है भाई, जिसको आप सुन भी सको और देख भी सको, दोनों में से जिसमें है. तो रेडियो पे तो सुन सकते हो, देख नहीं सकते. टीवी में दोनों कर सकते हो. OHP में सिर्फ देख सकते हो, सुन नहीं सकते हो. ठीक, तो टीवी आंसर हो जाएगा. विच ऑफ़ द फॉलोइंग मैथड इज़ यूज टू स्टडी द कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस इन चाइल्ड. तो अगर किसी बच्चे का मेंटल इलनेस की स्टडी करना है तो 10 आपको दे दिया जाएगा, तो क्या 10 के कर लोगे? नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट नीड्स डिटेलिंग कि बच्चे को क्या समस्या है, पास्ट इसका कैसा रहा, प्रेजेंट में कैसे रह रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, तो सब कुछ आपको चाहिए. तो यहाँ पर डिटेलिंग चाहिए बिल्कुल. तो यहाँ पर केस स्टडी मैथड इज़ बेस्ट. हैबिट ऑफ स्टीलिंग इन चिल्ड्रन कैन बी रिमूव्ड बाई. अगर बच्चों में क्या करना है, आपको चोरी की आदत को दूर करना है, तो आप कैसे हटाओगे? तो उनको एग्जाम्पल देके कि देखो उसने ऐसा किया बेटा तो उसके साथ ऐसा हुआ. गलत का परिणाम हमेशा गलत ही होता है. तो मे भी धीरे धीरे बच्चा समझ जाए और उदाहरण देके. बाकी जो चीज़ें इसमें एग्जाम्पल में ऑप्शन में दी गई हैं दैट आर वेरी वेरी यूजलेस. आप उनको पढ़िए, देखिए, हरास करके, रिवॉर्ड करके, पनिशमेंट करके. तो बहुत सारे लोग पनिशमेंट देकर कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. पनिशमेंट इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग. ठीक, तो गिविंग एग्जाम्पल इज़ अप्रोप्रिएट आंसर. द सिम्टम ऑफ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इज़, अगर कोई समस्यात्मक बच्चा है तो उसके क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है? कि वो चोरी करेगा. भाई इसका चोरी से क्या मतलब है? चोरी तो चोर करेगा ना, बच्चा क्यों करेगा? वो भी प्रॉब्लमेटिक. शारीरिक विकार, इट इज़ नॉट नीडेड कि जो पर्सन आपको क्लास में, अगर बच्चों को क्लास में जो है परेशानी कर रहा है, पढ़ने देता, तो उसका फिजिक खराब ही होगा. नॉट डूइंग द वर्क, कार्य नहीं करेगा. ऑल ऑफ द एबव. ठीक, देखिए अब इन्होंने ऑप्शन में थोड़ा सा खेल खेला है कि भाई स्टीलिंग भी, ये तो ये जो ऑल ऑफ द एबव है ये अप्रोप्रिएट है. क्यों अप्रोप्रिएट है? क्योंकि हो सकता है, ये हम कोई उसके साथ नहीं कह सकते हैं कि उसकी फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं होगी या वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो इसमें से कुछ भी हो सकता है. हो सकता है कि वो बच्चा जो प्रॉब्लमेटिक हो वो चोरी भी करता हो, हो सकता है नहीं भी करे. तो वैसे ही ऑल ऑफ द एबव इसमें ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी. किसने रिव्यू किया था भाई NEP 1986 को? इस प्रोग्राम को रिव्यू किसने किया था जो NEP 1986 था? रिव्यू किसने किया था? तो रिव्यू जो है आपकी 1992 में आई थी PO प्रोग्राम ऑफ एक्शन के थ्रू. इसको रिव्यू करने वाले कौन से थे? राम मूर्ति कमेटी. कौन सी कमेटी थी? राम मूर्ति कमेटी थी. ठीक है, जुविलाइन डेलिक्वेंसी बुक किसने लिखी है? तो ये बुक टप्पन ने लिखी है, इसको आपको याद रखना है. टप्पन, बाल अपराध जो होता है, जुवेनाइल का मतलब है वही, बाल नहीं हम कहेंगे उसको, थोड़ा सा वयस्क जो बच्चे करते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है उनको कहते हैं जुवेनाइल. ठीक है, तो वो अपराध करने वाले, उसके ऊपर किताब लिखी गई है जिसको टप्पन ने लिखा है. विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्टली इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020? देखिए अभी 2020 आया नहीं, क्वेश्चन उसे पूछ रहा है, तो ये आप ज़रूर देख लें बेसिक बेसिक. तो पहला वो स्टेट कौन सा था जिसने कि NEP 2020 को अपने स्टेट में लागू किया था? तो आपको ये पता होना चाहिए था कि वो कौन है. कर्नाटका. कौन था? कर्नाटका था. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका वॉज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी को किसने लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी को लिखने वाले हैं जॉर्ज पेने. ठीक, जॉर्ज पेने को एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप जाते हैं सर्च करके और लिखते हैं तो उससे लिटरली आपको एग्ज़ाम में भी आपके हेल्प मिलेगी. ठीक, सो आंसर है आपका जॉर्ज पेने. विथ विच आर्टिकल द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ रिलेटेड? तो अनटचेबिलिटी का संबंध हमारे संविधान के आर्टिकल 17 से है. अस्पृश्यता का संबंध जो है आर्टिकल 17 से है कि छुआछूत का कोई ऐसा नहीं है जो करेगा उसके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाएगी. तो आर्टिकल 17. सोशल चेंज इज सोशल डेवलपमेंट. सामाजिक परिवर्तन ही सामाजिक विकास है. कि मतलब सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वही, उसी का मतलब है कि समाज परिवर्तित हो रहा है. तो ये कहने वाले हैं आपके स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर. ठीक है, अब देखिए ये जो कहने वाले हैं किसने कहा, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते. अगर आपको पता है तो पता है, अदरवाइज बस तुक्का मारते रहिए. तो अच्छे से पढ़ के जाइए इसको.
वेयर इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल टेकन फ्रॉम, जो DPSP हम लेते हैं भाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं कि राज्य की ये जिम्मेदारी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हम लिए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिया है हमने नीति निर्देशक तत्वों को। अब आपसे पूछ रहा है कि हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अस्थाई अध्यक्ष कौन था? अब इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहेंगे, बी आर अम्बेडकर थे, बट आप क्वेश्चन फिर से पढ़िए, अस्थाई अध्यक्ष बोला है। सो अस्थाई अध्यक्ष इसके कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को नहीं आ रहा था तो अच्छे से याद कर लीजिए, अस्थाई, अगर स्थाई बोलता तब वहाँ पे अम्बेडकर फिट होते। केब की स्थापना कब हुई है भाई? नहीं, केब नहीं आपसे पूछा है, हाँ वही है, केब ही है आपका, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बस इन्होंने जो है नाम को इनके उधर कर दिया है, ये केबी, CABE, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद। सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल कब इस्टेब्लिश किया गया है आपसे ये पूछा है, तो ये इस्टेब्लिश किया गया है आपका 1921 में। इसको लेकर के थोड़ा सा आप देखेंगे तो ऑनलाइन भी थोड़ा सा मतलब आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, बट हम इसमें जो है ऑफिशियल आंसर की के ही उस पर जाएंगे, तो 1921 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राइट टू इक्वालिटी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? राइट टू इक्वालिटी, जो समानता का अधिकार है वो किस आर्टिकल में है? तो ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 ये राइट टू इक्वालिटी होता है। सो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 ये आप यहाँ पर टिक करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस देश से ली गई हैं? हमने जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे होते हैं वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं कि एक नागरिक को अपने देश के प्रति कैसे जिम्मेदार रहना है, कि सिर्फ देश की जिम्मेदारी नहीं कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, आपके भी जिम्मेदारी है कि आप देश को साफ सुथरा स्वच्छ स्वयं को एक अच्छा नागरिक की तरह रखें, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रशिया से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है ड्यूटीज़ को? रशिया से। तो भूलिएगा मत कि DPSP कहाँ से अभी लिया गया था? DPSP लिया गया था आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया है रशिया से। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन की परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई है? तो ये आपका है 1959, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 1959 में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच कमिटीज़ फॉर्म्ड इन 1958 रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन? तो वुमेन एजुकेशन से संबंधित 1958 में आज़ादी के बाद की बात की जा रही है, कौन सी समिति बनाई गई थी? तो ये समिति देखिए दो कमेटी में आपको कन्फ्यूजन रहेगा यहाँ पे, एक तो हंसा मेहता में रहेगा और दूसरा दुर्गाबाई देशमुख में रहेगा। जो पहली कमेटी बनी थी ना वो आपकी थी दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, और इसका आंसर भी दुर्गाबाई देशमुख समिति ही है। ठीक है, क्लास इज डिटरमाइंड बाई बर्थ एंड इट इज़ कॉल्ड कास्ट। जो आपकी क्लास होती है ना उसको डिटरमाइन करता है कौन? आपकी बर्थ से, कि आप किस क्लास में होंगे, आप हायर क्लास के होंगे कि आप किस क्लास के होंगे, वो जन्म से ही हो जाता है, और वो जन्म से होने के पीछे उसका रीज़न क्या है? आपकी जाति है। ठीक है, वर्ग जो है वो जन्म से निश्चित हो जाता है, ठीक, जिसको ही हम कहते हैं जाति, कास्ट। अब ये कहने वाले हैं चार्ल्स कूले। देखिए जो सोशियोलॉजी के इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको याद ही करना होगा कि भाई किसने किससे कहा और क्या कहा। ठीक है, चार्ल्स कूले इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड? वेरी इजी क्वेश्चन है, पता भी होता है, 1 अप्रैल 2010। देखिए 2009 में RTE आया जरूर था, लेकिन जिस दिन आप अप्रैल फुल बनते हैं ना 1 अप्रैल को, उसी दिन ये लागू हुआ था 1 अप्रैल, और नया सेशन की शुरुआत भी होती है उसी दिन से। तो 1 अप्रैल 2010 से क्या हो गया आपका? RTE लागू हो गया। सर्वशिक्षा अभियान किसने स्टार्ट किया था? देखिए सर्वप्रथम सर्वशिक्षा अभियान अगर आपको याद हो तो ये जो है 2000-2001 के नियर अबाउट में आया था आपका SSA। तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो कोलिएशन गवर्नमेंट थी, बीजेपी कोलिएशन की जो कि गिर गई थी, तो उस टाइम पे इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, आप याद रख सकते हैं उस टाइम से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अटल बिहारी वाजपेयी। व्हेन वाज द नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च्ड? वेरी गुड क्वेश्चन इज
हेयर NLM कब लॉन्च हुआ था? नेशनल लिटरेसी मिशन, तो ये लॉन्च हुआ था 1988 में। इसी NLM के इर्द गिर्द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आता है और इग्नू की स्थापना होती है, ठीक है, यही वो फेज था। तो NLM नेशनल लिटरेसी मिशन मतलब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, की हमको सबको साक्षर करना है भाई, सबको पढ़ाना है, ठीक है। तो एक है नेशनल लिटरेसी मिशन 1988। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम? मिड डे मील स्कीम का नया नाम क्या है? पहले MDM बोलते थे, अब क्या नाम है? तो अब उसका नाम है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ये इसका नया नाम है, ठीक है। PM न्यूट्रिशन पावर बिल्डिंग स्कीम, न्यूट्रिशन पावर बिल्डिंग स्कीम, ठीक है, CM से नहीं रहेगा, PM से रहेगा, पहले तो आप ये याद रख लेंगे, फिर न्यूट्रिशन पावर बिल्डिंग, ठीक। उस पर बिल्डिंग की भी बात की जा रही है, तो आप इसे जो है ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, वैसे कोई डिफ़िकल्ट नाम नहीं। मिड डे मील सबसे पहला जिस स्टेट ने स्टार्ट किया था वो था तमिलनाडु, 1995 में ही वहाँ पे स्टार्ट उन्होंने किया था, याद रखिएगा 1995 में तमिलनाडु पहला स्टेट था, ठीक है। ट्रू नॉलेज इज अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट, अगर आइडियलिस्ट की बात करें, आइडियलिस्ट के लिए क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम वाली फिलॉसफी है, आइडियाज़ से ही ये पूरी दुनिया बनी हुई है। सो उनके अकॉर्डिंग आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? जब आप सोचते हैं तो उनका जो नॉलेज होगा वो थिंकिंग बेस्ड हो गया, तो थिंकिंग बेस्ड इज़ योर आंसर, क्योंकि ट्रू नॉलेज जब आप थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, उससे बनेगी, और सोचना ही इस दुनिया का परमार्थ है, सत्य है, ठीक। ये आइडियलिस्ट की फिलॉसफी है। द यूनिवर्स इज़ अ ह्यूज मशीन, मैन इज़ अ पार्ट ऑफ दिस मशीन एंड अ कम्प्लीट मशीन इज़ हिमसेल्फ ऑल्सो। जो पूरा ह्यूज यूनिवर्स है वो एक बहुत बड़ी मशीन है, और जो मानव है वो मानव उस मशीन का एक हिस्सा है और अपने आप में एक पूरी मशीन भी है, ठीक, क्योंकि हमारे अंदर भी खुद का मैकेनिज्म चलता है। ये बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला भी कोई है। तो ये कौन कहता है? तो ये मानने वाले हैं प्रकृतिवादी, जो नेचुरलिज्म होता है, ये वो मानते हैं कि पूरा के पूरा यूनिवर्स एक बड़ी सी मशीन है, एंड वी आर पार्ट ऑफ इट, एंड इन इटसेल्फ आल्सो वी ह्यूमन आर एज अ मशीन, ओके। मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, तो मीनिंग ऑफ फिलॉसफी क्या होगा? सर्च फॉर नॉलेज, लव फॉर विजडम, मदर ऑफ ऑल साइंसेज, या ऑल ऑफ एबव। तो जो अगर हम फिलॉसफी की बात करें, तो देखिए ये सभी विज्ञानों की जननी नहीं कही जाती है, कुछ विज्ञान का हो सकता है लेकिन सबकी नहीं है। इसमें ज्ञान की खोज नहीं करते हम, ज्ञान के लिए प्रेम, जैसे अगर आप इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग देखेंगे तो फिलॉस और सोफिया आएगा, फिलॉस और सोफिया, ठीक है। फिलॉस मतलब जिसमें प्रेम, ज्ञान के लिए अनुराग होता है, ज्ञान के लिए प्रेम होता है, उसका लिटरल मीनिंग। सो लव ऑफ विजडम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये आपका है उसी आइडियलिज्म में जिसकी अभी हमने फिलॉसफी पढ़ी थी, ठीक है। वैदिक सिस्टम में भी ये आपकी विधि यूज़ होती है, श्रवण मनन निधिध्यासन शिक्षण विधि, मतलब कि पहले बच्चा सुनेगा, सुना, फिर उसको मनन करेगा, सोचेगा क्या सुना, फिर निधिध्यासन, फिर उसको प्रैक्टिस करेगा, रिपीट करेगा, ताकि वो चीज़ उसको अच्छे से याद हो जाए। सो आदर्शवादियों के अनुसार यह एक शिक्षण विधि है। द रियलिस्ट प्रोपाउंड द फॉलोइंग थियरी, रियलिस्ट जो थे, जो यथार्थवादी थे, उन्होंने क्या नॉलेज दिया? ज्ञान के लिए ज्ञान, तो ये रियलिस्ट कैसे हुए? रियलिस्ट और आइडियलिस्ट में बेसिक अंतर यही था कि रियलिस्ट कहते थे कि जो सामने दिख रहा है वो सच्चाई है, और आइडियलिस्ट ये कहते थे कि जो नहीं दिख रही है वो सच्चाई है, क्योंकि आप जो चीज़ सोच रहे हैं, थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, आइडियाज़ जो हैं इस नेचर में हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आप जब तक सोचोगे नहीं तब तक कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, ठीक। और रियलिस्ट नॉलेज फॉर लाइफ, या ऑल ऑफ द एबव। तो रियलिस्ट का कहना है कि नॉलेज फॉर लाइफ, कि जीवन के लिए ज्ञान होना चाहिए, ठीक, आपको जीवन कैसे जीना है उसका ज्ञान होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रोग्रेसिव एजुकेशन किससे संबंधित है? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देने वाले कौन हैं? नहीं पता था तो जान लीजिए, डीवी, जॉन डीवी हैं जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन दिया है। और ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डीवी किससे संबंधित है? तो ये प्रैग्मेटिज्म से संबंधित हैं। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का संबंध प्रैग्मेटिज्म से है, प्रयोजनवादी से है, ठीक है।
ये कुछ लोगों का इसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डीवी का, फ्रोबेल का आपका प्लेवे है, मॉन्टेसरी का जो है किंडरगार्टन मेथड है, और बिंदु का इंटीग्रल है, मैंने आपको बताया ही, गांधी जी का भी नई तालीम, ये सारा, ये सब बेसिक जो किसने क्या दिया है ये आपको याद होना चाहिए। हीगल का डायलेक्टिकल मेथड है, ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। द टीचर प्लेसेस बिहाइंड द कर्टन, शिक्षक का स्थान जो है वो पर्दे के पीछे का है, रॉस ने कहा, स्टेटमेंट याद भी होगा, कहाँ से है ये, ये नेचुरलिज्म में है, क्यों, क्योंकि अध्यापक पहले जाके नहीं बता देगा कि पेड़ पे चढ़ोगे तो गिरने का भी डर है, बच्चा खुद से गिरेगा तो समझ में आ जाएगा, तो शिक्षक सिर्फ देखता रहेगा कि उसका कुछ बहुत ज़्यादा अहित ना हो बस, और बाकी चीज़ें सब बच्चा खुद से करेगा, एक्टिवली करेगा, तो ये नेचुरलिज्म में है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, गांधी जी आ गए, देखिए माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ बोले, नई तालीम बोले, और बेसिक शिक्षा बोले, बेसिक एजुकेशन बोले, ऑल गोज़ टू महात्मा गांधी, ठीक है, योगा बोले या होलिस्टिक डेवलपमेंट बोले, वो विवेकानंद जी का आ जाएगा, ठीक है। मिडिल पाथ बुद्धिज्म से संबंधित है, हमारे गौतम बुद्ध से संबंधित है, मिडिल पाथ बीच का जो पाथ है ये आपको पता होना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग इसमें दिया गया है, कहाँ पे, बुद्धिज्म में। रूसो से रिलेटेड इसमें कौन सी एजुकेशन नहीं है, तो रूसो ने ये भी कहा है कि गो बैक टू नेचर और निगेटिव एजुकेशन, आज ही मैंने जब एमिले जहाँ पे एमिल मैंने बताया आपको, वहाँ मैंने बताया कि उन्होंने निगेटिव एजुकेशन भी दी है। उसके बाद है पॉजिटिव एजुकेशन, फ्रीडम, फ्रीडम की बात भी ये करते हैं लेकिन पॉजिटिव एजुकेशन की बात जो है वो रूसो नहीं करते हैं, ये निगेटिव एजुकेशन की बात करते हैं बट पॉजिटिव एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं संबंधित है। स्यादवाद, स्यादवाद को किसने है, तो जैसे अभी आपने पढ़ा पवज्जा, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित था, अभी आपने पढ़ा मिडिल मार्ग, वो भी है, अष्टांगिक मार्ग वो भी है, स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये सारी जो चीज़ें हैं ये जैनिज्म से संबंधित है, किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित हैं। इसमें से कौन सी फिलॉसफी जो है वो बिलीव करती है अथॉरिटी ऑफ वेदा में, तो देखिए जब हम पढ़ते हैं तो हम दो स्कूल्स को पढ़ते हैं, जब आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हमारे पास दो स्कूल्स का क्लासिफिकेशन आता है, एक जो होते हैं वो आपके होते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल और दूसरे होते हैं अनऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी चीज़ों को मानने वाले और दूसरा होता है अनऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल में आपके जितने भी वैदिक स्कूल आ रहे हैं, आपके वैदिक स्कूल हैं, और इसके अलावा जितने भी हमारे ये हैं, न्याय दर्शन हो गया, जैन नहीं होगा, न्याय होगा, और ये लोग रहते हैं, ठीक है। और जो अनऑर्थोडॉक्स है मतलब कि जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर का जो अस्तित्व है वो एज इट इज़ है, जो वेद की जो फिलॉसफी है वेदांत की उसको मानते हैं, और दूसरा जो अनऑर्थोडॉक्स स्कूल है या जो हेटरोडॉक्स स्कूल है वो ये लोग मानते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसके अंदर आपके तीन लोग मेनली आते हैं, एक चार्वाक दर्शन आ जाता है, एक आपका बौद्धिज़्म, एक आपका जैनिज़्म, ठीक है। हाँ देखिए ऑर्थोडॉक्स में आपका वैदिक आ जाएगा, आपका सांख्य दर्शन आएगा, योग दर्शन आएगा, न्याय दर्शन आएगा, ये सारे के सारे दर्शन इसमें आ जाएंगे, और सेकेंड वाले में जो आपका हेटरोडॉक्स है, ये जो लोग वेदों की सत्ता को नहीं मानते हैं, उसमें जैन, बौद्ध और चार्वाक, ये इनका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आपसे पूछा है कि कौन उसकी सत्ता में बिलीव करता है, तो तीन तो आपको नाम वही दे दिया है जो लोग नहीं करते हैं, तो बचता है बस एक न्याय, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। द फाउंडर ऑफ द लाइसेम, लाइसेम जो है ये क्या है आपका, एथेनियन स्कूल, एथेनियन स्कूल लाइसेम, इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर एरिस्टोटल थे, कौन थे, एरिस्टोटल, याद रखिएगा एथेंस की बात कर रहा है वही ग्रीक, जो ग्रीक एथेंस जहाँ पे ओलंपिक हुआ था सबसे पहले, उसी में लाइसेम नाम का स्कूल का था, और उसके फाउंडर कौन थे, तो वो एरिस्टोटल थे, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं, ठीक है। द बुक प्लेटो लास्ट लॉन्गेस्ट डायलॉग, वो किताब जो कि प्लेटो की सबसे लास्ट और लॉन्गेस्ट डायलॉग को कंटेन करता है, वो बुक कौन सी है, द लॉज, कौन सी बुक है, द लॉज। इसके अलावा प्लेटो की और भी बुक है, रिपब्लिक हो गई, द लॉज हो गई, और मैंने प्रीवियस में कराया भी है कि वो बुक्स कौन कौन सी हैं, ठीक। हैप्पीनेस डिपेंड अपॉन आवर सेल्फ, खुशियाँ हमारी हम पर ही निर्भर करती हैं, ये कौन कहा है, ये भी प्लेटो ने कहा है, जो द लॉज लिखा है, जिसने ये सारी चीज़ें जिन्होंने लिखी है, रिपब्लिक लिखी हैं, उन्होंने ही कहा है कि हमारी खुशियाँ हम पर ही निर्भर करती हैं। नोवम ऑर्गेनम, नोवम ऑर्गेनम पुस्तक किसने लिखी है, तो ये फ्रांसिस बेकन ने लिखी है, फ्रांसिस बेकन ने लिखी है नोवम ऑर्गेनम बुक, किसने लिखी है, फ्रांसिस बेकन ने, क्लियर है।
मोस्ट अपोनेंट ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के बिल्कुल अपोजिट में बाद में आता है यथार्थवाद। अभी मैंने आपको बताया रियलिस्ट जो होते हैं, रियलिज्म, ये बिल्कुल इसके अपोज में रहते हैं आइडियलिज्म के, क्योंकि ये थिंकिंग को आइडियलिस्टिक चीज़ों को मानते हैं, आइडियाज़ को मानते हैं, एक आइडियल सेट नॉर्म्स मानते हैं सोसाइटी के लिए होना ही होना चाहिए, जबकि रियलिस्ट कहते हैं जो दिख रहा है भौतिक ही सब कुछ है। हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं, ये बुक किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए। हाउ वी थिंक हो या एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, नॉट एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये लिखी गई है 1916 में। एंड हाउ वी थिंक और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये सारी, और प्रैग्मेटिस्ट हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ एक लोग के लिए है, वो है जॉन डीवी। तो ये हाउ वी थिंक जो है ये किसने लिखी है, ये बुक लिखी है आपकी जॉन डीवी, बहुत अच्छी किताब है ये हाउ वी थिंक जो इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो किसकी है ये, जॉन डीवी की है, ये आपको याद रखना है। एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर, एजुकेशन जो है वो किसका डेवलपमेंट है, एक अच्छे नैतिक चरित्र का उचित विकास है, ये किसने कहा है, तो ये फादर ऑफ मोरल एजुकेशन हम जिसको कहते हैं हर्बर्ट को, ये उनके द्वारा ही कहा गया है कि एजुकेशन क्या है, वो डेवलपमेंट है ऑफ अ गुड मोरल कैरेक्टर, फादर ऑफ मोरल एजुकेशन लिखा भी है। देखिए, मदर्स आर आइडियल टीचर एंड द इनफॉर्मल एजुकेशन गिवन बाई होम इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड नेचुरल, जो माताएं होती हैं वो एक आदर्श शिक्षिकाएं होती हैं, और जो बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा होती है वो घर से ही तो मिलती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये किसने कहा है, तो ये कहने वाले हैं फ्रोबेल, कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं, फ्रोबेल जिन्होंने प्ले वे टेक्निक दिया है, फ्रोबेल, ठीक है। तो फ्रोबेल का कहना है ये कि माताएं जो हैं वो आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं। सेल्फ थियरी ऑफ पर्सनालिटी किसने दिया है, तो सेल्फ थियरी ऑफ पर्सनालिटी देने वाले हैं कार्ल रॉजर, किसने दिया है सेल्फ थियरी ऑफ पर्सनालिटी को, तो ये कार्ल रॉजर हैं, ठीक है। आलपोर्ट की तो आपकी ट्रेट की थियरी हो जाएगी, मैस्लो की नीड हायरार्की थियरी है, और रॉजर की आपकी जो है सेल्फ थियरी है, जिसमें वो आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ की बात करते हैं, कार्ल रॉजर। इन्होंने नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग भी दिया है। विच साइकोलॉजिस्ट रिसेंटली डाइड इन 2021, तो देखिए अभी हाल ही में सोशल लर्निंग थियरी देने वाले थे, उनकी ही डेथ हुई है। तो सोशल लर्निंग थियरी देने वाले हैं आपके एल्बर्ट बेंडुरा, एल्बर्ट बेंडुरा की जो है यहाँ पर हाल ही में 2021 में जो है कोविड के टाइम से जो है डेथ हुई थी। टेस्ट रीटेस्ट मेथड हम क्यों निकालते हैं भाई, तो टेस्ट रीटेस्ट, आज टेस्ट किया, कल परसों एक खास इंटरवल की बात करते हैं, मान लीजिए 15 दिन का लेते हैं, कुछ किताबों में जैसे अरुण कुमार सिंह की किताबों में 14 दिन भी देता है, बट 14-15 दिन आप मान सकते हैं। हमने अपने मित्र को आज टेस्ट किया, फिर 15 दिन बाद फिर करेंगे, सेम आ रहा है, तो क्या देख रहे हैं, विश्वसनीयता। अभी तो मैंने पीछे बताया, दिस इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल, यू डोंट नीड टू चेक योर फ्रेंड्स, ओके। सो टेस्ट रीटेस्ट मेथड हम किसी चीज़ की विश्वसनीयता को जांच करने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर होगा रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट मेथड बोले, पैरेलल फॉर्म मेथड बोले, कुडर रिचर्डसन मेथड बोले, या फिर स्प्लिट फॉर्म मेथड बोले, ये क्रॉनबेक अल्फा मेथड बोले, ये सारे के सारे मेथड आपके रिलायबिलिटी को ही मेज़र करते हैं। क्लियर है इतनी बातें। हाउ मैनी सब सब्जेक्ट्स आर देयर इन द भाटिया बैटरी, भाटिया बैटरी जो परीक्षण है उसके कितने उप परीक्षण हैं, सब टेस्ट कितने हैं, तो 5 उसके क्या हैं, सब टेस्ट होते हैं। एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस का कॉन्सेप्ट देने वाले कौन हैं, जिन्होंने आपके क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, पावलोव, ठीक है, इवान पावलोव ने दिया है आपके एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पे जो भाटिया बैटरी है, जिसके 5 सब यूनिट्स सब पार्ट्स होते हैं, सब टेस्ट होते हैं, उसको बनाने वाला कौन है, तो ये कौन है, आपने पढ़ा होगा सीएम भाटिया ने किया है, चंद्रमोहन भाटिया, ठीक है। इन्होंने देखिए नाम से बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश की है, बट आपको याद रखना है कि चंद्रमोहन भाटिया है जिन्होंने उसको बनाया है। देयर इज़ नो टेस्ट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, इसमें से कौन सा टेस्ट है जो कि इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है, तो पोर्टस मेज टेस्ट जो भूल भुलैया है वो भी है, WISC वेस्लर का है ये टेस्ट, आपका WISC वेस्लर इंटेलिजेंस एक एडल्ट पे होता है और एक चिल्ड्रन पे होता है, वो टेस्ट है, आर्मी बीटा टेस्ट और इंक ब्लॉक टेस्ट।
इंटेलिजेंस के लिए पहले जो तीन है वो तीनों यूज़ होते हैं। इंक ब्लॉट टेस्ट आज ही मैंने इसी पेपर में बताया है आपको कि वो रोशा टेस्ट है और वो पर्सनालिटी को असेस करने के लिए होता है, न कि इंटेलिजेंस को। सो इंक ब्लॉट टेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लेविन, कर्ट लेविन का टोपोलॉजिकल मॉडल आपने पढ़ा होगा, वेक्टर और कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड कुछ फिगर टाइप से। तो उन्होंने जो अपनी टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट लिया है, जो टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट लिया है वो कहाँ से लिया है? सो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया है गणित से, मैथ से। ठीक है, याद रखेंगे। TAT किस पे बेस्ड है? TAT क्या है? थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। TAT हेनरी और मुरे द्वारा जो है वो किया गया था आपका थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। ये क्या देखता है? तो ये पर्सनालिटी देखता है, पर्सनालिटी के उस भाग को जो आप सामने से नहीं बताते हैं किंतु इनडायरेक्ट वे में हम पता करते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्टिव मतलब कि किसी चीज़ पे उसकी फिगर पड़ रही है, तो डायरेक्टली आप नहीं बता रहे हैं, हम इनडायरेक्टली जानने की कोशिश करते हैं। तो TAT बोले आपको तो भी प्रोजेक्टिव टेक्निक आपका होगा, ठीक है। CAT आपका बोले चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट, तो भी आपका वही होगा। Which is higher level of learning according to Gagne? Gagne के according highest level of learning क्या है? देखिए, जो आपका signal learning है वो सबसे lowest पे आता है। Gagne का जब आप पढ़ेंगे ना hierarchy, तो इस hierarchy में जो सबसे base पे आएगा ये signal learning होता है। Concept इधर कहीं होता है, rule learning भी signal के बाद होता है, और सबसे ऊपर आपका problem solving होता है। तो जो PS है ये जो है सबसे highest पे रहेंगे आपके Gagne के learning में। तो option number C is correct। बिहेवियरिज्म के फाउंडर कौन है भाई? तो बिहेवियरिज्म के फाउंडर नन अदर देन JB वॉटसन। 1913 या 14 में इन्होंने जो है किया था खोज बिहेवियरिज्म का, वॉटसन है। बाकी लोग भी बिहेवियरिज्म ही से ही स्कूल से फॉलो करते, चाहे थॉर्नडाइक हो, स्किनर हो, पावलोव हो, बट फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इज JB वॉटसन। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किससे संबंधित है? सबसे पहले ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और एक और कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, उसको ध्यान रखिए। ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस का मतलब होता है इसका संबंध, पहली चीज़ ये किसकी थियरी से आया है वो पता आपको पहले हो। तो भाई ये फ्राइड की थियरी से है। किसकी थियरी से है? फ्राइड की थियरी से है। फ्राइड की साइकोलॉजिकल थियरी से संबंधित है। उसमें इन्होंने 5 स्टेजेस दिया था अगर आपको याद हो तो, ओरल, अनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। जो फैलिक स्टेज था, तीसरा स्टेज था पांचवे में फैलिक स्टेज, उस फैलिक स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, जो कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि लड़कों का अपनी माँ के प्रति अच्छा, मतलब एक अलग प्रकार का स्नेह वाला बिहेवियर, जिसको फ्राइड की भाषा में कहें तो थोड़ी सी सेक्सुअल अर्ज के साथ माता के साथ मतलब बातचीत का ये सारी चीज़। और अगर हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स करें तो लड़कियों का अपने पिता के प्रति जो झुकाव होता है वो होता है। सो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों के साथ संबंधित है, ये याद रखना है। हो सके तो नेक्स्ट पेपर में अगर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पूछे तो वहाँ लड़कियाँ हो जाएंगा, ये भी याद रखना है। हु कंट्रोल, हु यूजुअली कंट्रोल लैंग्वेज डेवलपमेंट? हमारा जो ब्रेन है उसमें लैंग्वेज को कौन जो है वो कह सकते हैं आपकी कंट्रोल करता है? तो अगर हम देखें ब्रेन के पोर्शन में, मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, इसको हमने दो पार्ट में किया, ये हमारा हो जाएगा राइट और ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट। तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो ही आपके लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट याद रखेंगे, आज के बाद भूलेंगे नहीं आप, L फॉर लेफ्ट या लॉजिक या लैंग्वेज, लैंग्वेज का डेवलपमेंट इधर से होता है। R जो है ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, क्रिएटिविटी, जिसका राइट ब्रेन का काम अच्छे से होता है, दोज चाइल्ड आर वेरी क्रिएटिव इन नेचर। सो क्रिएटिविटी अगर हम बात करें तो वो राइट ब्रेन होगा, और अगर हम लेफ्ट ब्रेन की बात करें तो वो लॉजिक और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। हु गेव द थियोरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? वेरी नाइस क्वेश्चन। आइडेंटिकल एलिमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अगर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रहा है और आइडेंटिकल एलिमेंट है तो लर्निंग बढ़ेगी या घटेगी? बिल्कुल सही, लर्निंग बढ़ जाएगी। तो ये किसने दिया है? तो ये देने वाले हैं थॉर्नडाइक। किसने दिया है? थॉर्नडाइक, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थियरी भी दी है। थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं कर का सिद्धांत दिया है। स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थियरी दी है। गिलफोर्ड का आपके मॉडल भी है, 3D मॉडल ऑफ गिलफोर्ड, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो अदरवाइज नहीं भी पढ़ा है तो कम से कम जितना मैं बता रही हूँ उतना आप कर लीजिए। इफ द थिंग लर्न अर्लियर स्टार्ट टू बी फॉरगेटन, अगर पहले पढ़ी हुई चीज़ भूल जाती है
ड्यू टू द थिंग लर्नड लेटर। क्यों भूल जाती है भाई? क्योंकि बाद में कोई चीज़ पढ़ी, इसलिए पहले सीखी गई चीज़ बाद में सीखी गई चीज़ों के कारण भूलने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने आज ये वीडियो देखा, अब आप 10 दिन बाद कुछ और नया पढ़ने लगे और आपको ये सारी चीज़ें भूलने लगा कि अरे यार वहाँ क्या पढ़ा था, तो ये क्या होगा, इसको क्या कहेंगे? प्रोएक्टिव, निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, रेट्रोएक्टिव, लेटरल बाइलेटरल और बाइलेटरल। तो यहाँ आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, दो कॉन्सेप्ट, एक तो रेट्रोएक्टिव, एक तो प्रोएक्टिव, इसी में आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए, आपने पहले कोई चीज़ ए सीखी और बाद में आप बी सीख रहे हैं, लेकिन बी सीखने के कारण आप ए को क्या हो जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भूल जा रहे हैं कि अरे यार ए में क्या सीखा था। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने बाइक चलाना सीखा तो आप उसके जगह कुछ जो है फोर व्हीलर, जब आप सीख रहे हैं तो आप बाइक के कॉन्सेप्ट को भूलते जा रहे हैं। सो आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की चीज़ों को भूल रहे हैं। तो पीछे जब भी हम जाते हैं तो वहाँ हम रेट्रोस्पेक्टिव का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? रेट्रो, पीछे की ओर लौटो। सो रेट्रोएक्टिव, निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रहा है। क्यों निगेटिव हो रहा है? क्योंकि आप भूल रहे हैं। अगर यहीं ये लिखा होता कि आपने ए को कोई आपका जो है लर्निंग है और आप बी सीख रहे हैं, और बी को सीखने के लिए ए जो है वो आपको अच्छे तरीके से मदद कर रहा है, सो यहाँ भी रेट्रोएक्टिव लर्निंग होती, बट वो पॉजिटिव सेंस में होती, और यहाँ वो आपको भुला रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे निगेटिव होगा और पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ये जो है रेट्रोएक्टिव होगा। अगर यही होता कि आप ए कर रहे हैं और बी जो सीखने वाले हैं उसमें आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, तो ये क्या होता, आपका प्रोएक्टिव निगेटिव ट्रांसफ़र हो जाता कि उसकी वजह से आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है? नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी भी होती है। नार्सिसिज्म का मतलब होता है कि ऑटो इरोटिसिज्म, कि खुद के प्रति ही क्या होना बहुत ज़्यादा, मतलब नार्सिसिस्ट क्या होते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो ही सही है, ऐसी चीज़ें। सो ये स्व कामुकता की तरफ दिखाता है, ऑटो इरोटिसिज्म, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रो या सबके लिए प्रेम होगा तो वो नार्सिसिस्ट कहलाएंगे ही नहीं, ठीक है। द प्रोवर्ब डू नॉट नो हाउ टू डांस बट टू से दैट द कोर्टयार्ड इज क्रूक्ड। अब ये बिल्कुल वही बात है, नाचना आगे आंगन टेढ़, तो ये तो हम लोग नॉर्मली भी यूज़ करते हैं। ये किसका एग्जांपल है? ये आपसे पूछा है। एग्रेसिव मेथड है, तो अगर आप गुस्से में रहेंगे तब आप किसी को ऐसी चीज़ कहेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा है आपने, उसका है। डिप्रेशन या बिकमिंग डिपेंडेंट, भाई अगर हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे या सॉरी आश्रित हो जाएंगे तो हम किसी को ऐसा थोड़े कहेंगे, नहीं कहेंगे वरना वो हमें निकाल देगा। दमन करेंगे तो हम क्यों किसी और से ऐसा बोलेंगे, हम प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब अभी मैंने आपको बताया, कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक भी थी कि किए गए काम को दूसरे स्क्रीन या मिरर पर डाल देना। तो जैसे कि अगर हमें कुछ कहा गया, कोई काम कहा गया, हमें नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे यार ये तो फ़ोन ही अच्छा नहीं है, टैब ही अच्छा नहीं है, या क्लास ही अच्छी नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि हमें थियोरीज नहीं पता, हम ये नहीं देख रहे कि कमी हमारे अंदर है, ठीक है। सो प्रोजेक्शन इज़ द आंसर बी। टेस्ट दैट मेजर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट। फ्लेक्सिबिलिटी की जब भी बात आएगी तो वहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, ठीक है। दोनों थिंकिंग मैं बता देती हूँ सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं और लेट्स से टॉपिक हमारा है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी हमारा टॉपिक है और हमें जानना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग कैसे होगी और डाइवर्जेंट थिंकिंग कैसे होगी, या फिर हाँ ठीक है ये क्रिएटिविटी, ठीक है चलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो अलग अलग जगह से हम क्या करेंगे, अपनी बातों को खोज कर लाएंगे और उसमें से एक निष्कर्ष के रूप में देंगे, दैट इज़ कन्वर्ज कर देना उसको एक जगह। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा कि हम उसको अलग अलग जगह ट्रांसफ़र करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, अलग अलग दिशाओं से सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, अरे वो वाला डायमेंशन भी है। दिस इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग ही क्रिएटिविटी को लीड करती है, ये टर्म भी इसके साथ याद रखिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहेगा तो वहाँ डाइवर्जेंट होगा, बिकॉज यू सी मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी और मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन, इवेंट, थिंग, ऑब्जेक्ट, जो भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ डाइवर्जेंट हो जाएगा।
व्हेन अ चाइल्ड फेसेस डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जब कोई बच्चा जो है वो डिफ़िकल्टी फेस करता है किसी समस्या को सॉल्व करने में, टीचर उसको कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं, कुछ क्लू देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने आपको बोला कि टू फैक्टर थियरी है या ट्रायल एंड एरर थियरी है, वो जिन्होंने दिया है उन्होंने जो है कुछ न्यूरोसिस पे भी वर्क किया है। सो यहाँ पे क्या करने का काम किया जा रहा है, हिंट देने का काम किया जा रहा है, क्लू दिया मैंने। अब उस क्लू के थ्रू बहुत प्रोबेबल है कि आप उस साइकोलॉजिस्ट का नाम बता पाएँ। तो ये जो क्लू और हिंट मैंने दिया, फिर आप कहेंगे अच्छा मैम ट्रायल और एरर वाला तो थॉर्नडाइक ने दिया था और हमने इसी में पढ़ा कि उन्होंने न्यूरोसिस पे भी काम किया है, तो वो कौन है, थॉर्नडाइक है। सो ये जो प्रक्रिया चली कि मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताई, हिंट की, डायरेक्शन दिया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये आपके वाइगोस्की के थियरी का टर्म लिया गया है, स्कैफोल्डिंग, जिसको मचान या पाड़ भी हिंदी में कहते हैं। स्कैफोल्ड करना मतलब बच्चे की मदद करना उसको, लेकिन ये नहीं कि जाके उसके लिए आंसर खोल के दे देना, बस उसको हिंट देना, क्लू देना, ताकि वो आगे बढ़ सके अपनी लर्निंग में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन भी आपसे देखिए वाइगोस्की का ही पूछा है कि वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थियरी बिलोंग्स टू स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो ये किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं। तो ये भी मानते हैं कि बच्चा जो है खुद से कर सकता है, सो ये भी जो है संरचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल से ये बिलोंग करते हैं वाइगोस्की। प्याजे भी आपके कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल से ही बिलोंग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हु प्रपाउंड द थियरी ऑफ पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स ऑन बाईपोलर डायमेंशन। बाईपोलर डायमेंशन का मतलब है जहाँ पे उनके दो पॉइंट्स होंगे, दो एंड होंगे, उस पर किन्होंने अपने पर्सनालिटी के बेसिस को जो है वो डिफाइन किया है, अपनी थियरी दी है। तो ये कौन है, ये आइजेंक ने दी है। ठीक है, आइजेंक ने बाईपोलर डायमेंशन की जब बात करेंगे तो वहाँ पे आइजेंक आते हैं। ठीक है, आइजेंक इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सो ये आपके टोटल जो है ये 100 क्वेश्चंस हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। दैट्स द एंड ऑफ योर 100 क्वेश्चन। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ गए हों। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड इसके साथ ही ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। दैट्स ऑल, थैंक यू।